रनिम आज मैं आपकी उर्दू की टीचर आज हम पढ़ेंगे उर्दू और इस्लामियात ये आपका मज़मून है जमात हमारी है के जी वन और ये महीना है अगस्त का और इसका पहला हफ्ता पहले हफ़्ते में हमें क्या पढ़ना है आगे देखते हैं पेक का तारफ़ है सबक नंबर चार में पे के जखीर अल्फाज हैं हमारे पास आज हम पढ़ेंगे पेक की प्यारी सी नज़म और उर्दू कायदा सफ़ा नंबर चार हर्फ पे की लिखाई और इस्लामियात का आज हमारे पास सबक है सबक हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम आज हमारा हरूफ़ तहजी का चौथा हर्फ है चौथा हर्फ हमारे पास पे है पे के नीचे तीन नुक्ते होते हैं पे से पत पत्ता पेसे प्याला पे के नीचे तीन नुक्ते वाला पे से पत्ता पे से प्याला छोटे से तीन नुक्तों वाला पे ये पे है पेसे पत्ता बच्चों और पेसे प्याला आज हम बहुत प्यारी प्यारी चीजें लेकर आए हैं पे से पत्ता पे से प्याला पेसे पत्ता पे से प्याला तीन छोटे से नुक्तों वाला तीन छोटे से नुक्तों वाला एक दो तीन पे इसको कहते हैं पे इसकी आवाज है पा अब पा से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं प पेंसिल पेंसिल से हम लिखते हैं अलेफ, बे, पे पेंसिल प्यारा सा पंखा जब हमें गर्मी लगती है तो हम प से पंखा चलाते हैं जिससे हमें हवा आती है ठंडी ठंडी प पंखा पौधा 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 किससे शुरू हो रहा है आवाज निकल रही है प प पौधा पौधा जब प्यास लगती है प्यारे बच्चों तो हम पीते हैं प पा, पानी प पा, पानी पैसे पानी प्यारी सी परी परी तो रहती है परिस्तान में पा परी पा से परिस्तान परिस्तान से आई प्यारी सी परी पा परी पा पिंजरा ये होता है परिंदों का पिंजरा इसमें रहता है प्यारा सा पे से परिंदा ये इस परिंदे का पिंजरा है बहुत प्यारा सा पा पिंजरा पा परिंदा पा पिंजरा पा परिंदा पैसे पतंग पा पतंग पा पतंग पा, पा प्याज ये सब्जियों में आता है हम लोग घर में लाते हैं मामा इससे खाना भी पकाती हैं पा प्याज पा प्याज ये तो रंग है कौन सा रंग है भला पीला इस रंग को पीला कहते हैं पीली पेंसिल अब आइए उर्दू के कायदे की तरफ सफा नंबर चार उर्दू कायदा सफा नंबर चार अब हम कायदे की पढ़ाई करेंगे पा पतंग पा पत्ता पा पराठा पा पंखा पा प्याला एक दफा और पढ़ लेते हैं पा पतंग पा पत्ता पा पराठा पा पंखा पा प्याला अब हम आते हैं पे की लिखाई की तरफ पे की लिखाई की तरफ पे से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरिए पे से पतंग पे से पंखा पे से पत्ता पे से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग इस तरह भरना है पे से पतंग पे रंग भरें पे से पंखे पे फिर पे से पत्ते पे ये आपका खुशखती और खुद से पे बनाने वाला सफ़ा है पहले हम पे की खुशखती करेंगे टू लाइंस की फिर हमने आगे ख़ुद से पे बनाना है और फिर सीखना है कि पे कैसे बनता है पे तीन नुक्तों वाला पे कहलाता है यहाँ पे अब आप हम आपको बताएंगे कि पे की खुशखती कैसे करते हैं पेसे पत्ता पे से प्याला तीन छोटे से नुक्तों वाला पेसे पत्ता से प्याला तीन छोटे से नुक्तों वाला पे ये होता है पे पेसे पत्ता पे से प्याला तीन छोटे से नुक्तों वाला पे यहाँ पे आपको खुद से बनाना है पे पहले आपने पेंसिल रखनी है ब्लैक वाले डॉट पे फिर आपने बनाना है पे पे से पत्ता पे से प्याला तीन छोटे से नुक्तों वाला पे अब हम आते हैं की तरफ इस्लात में आज हम पढ़ेंगे हजूर सल्ला वसम के बारे में और उनके कुछ हमारे पास सवाल हैं पहला सवाल है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है आपने जवाब याद करना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सवाल है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम कैसे इंसान थे आपने जवाब याद रखना है बहुत अच्छे और नेक इंसान थे एक दफ़ा और मेरे साथ पढ़ लें हमारे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम का नाम क्या है आपने जवाब याद करना है, हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम। दूसरा सवाल है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम कैसे इंसान थे आपने जवाब याद करना है बहुत अच्छे और नेक इंसान थे बहुत अच्छे और नेक इंसान थे प्यारे बच्चों आज हमने उर्दू का हर्फ पे पढ़ा और इस्लामियात में सबक था हमारा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ये अच्छी तरह सारे काम करने हैं और सवाल के जवाब याद करने हैं ठीक है बच्चों फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़